हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आई नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है उसको बेहतर तरीके से पूरा कर रहे होंगे। शायद मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो वेटेज है वो बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से नीट और जेई मेंस में रहेगा और एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर डायोड पीएन जंक्शन इससे रहता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर से जनरली मिनिमम दो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कुल मिला के बहुत लेंदी चैप्टर है बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और लेंदी भी है, ठीक है। बट एक्चुअली स्कूल और कोचिंगों में इसको पता नहीं क्यों बहुत छोटा बना दिया जाता है, बहुत छोटे में निपटा दिया जाता है, वो बात मुझे समझ में नहीं आता है। चलो तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं 2021 से। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा मुझे सपोर्ट किया करो यार। डाउट चैनल लोग समझ के क्या करते हैं, आते हैं डाउट देखते हैं, उनका काम निकला, चलो बाय बाय। बहुत कम परसेंटेज आप सब्सक्राइबर और सपोर्ट है, तो यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, इट्स वेरी हार्ड वर्क और डेडिकेशन। अब ये कितना हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कितना सेक्रीफाइस मैं करता हूँ वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ यार, ठीक है। चलो द इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेटर इन एन टाइप सेमी कंडक्टर, चलो एक हम यहाँ लेते हैं एन टाइप का सेमी कंडक्टर, चलो ले लेते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, ये है एन टाइप। एन टाइप में क्या है, एन टाइप उसको बोला जाता है जिसमें मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम मैं निगेटिव ऐसे दिखा देता हूँ इस टाइप से, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है उसकी बायसिंग करते हैं यार, जब पीएन ये जो सेमीकंडक्टर है एक्सटर्नल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसको बायसिंग बोलते हैं। तो कहता है ऑब्वियसली कंपेयर द करंट इन टू केस, अब दोनों केस में करंट कंपेयर करना है। अब एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है वो इसको तुरंत कर लेगा, और जिसको नहीं पता वो सॉल्व करेगा, उसके लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो चलो पहले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। हम सबको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। जब मैं उनको कनेक्शन करूंगा, बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और इसमें होल्स की मूवमेंट होगी। हम सबको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम प्रेफरेंस देते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब जो ज़्यादा मूव करेगा तो वो ज़्यादा करंट बनाएगा यार, तो ऑब्वियसली एन टाइप में जो करंट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी टाइप में, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो ये वो बच्चा था जिसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है। अब एक बच्चा जिसको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो इसको सॉल्व करेगा। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, तो अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस जो भी देता हूँ, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इधर को डायरेक्शन में, ठीक है। चलो उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो पी टाइप सेमी इन दोनों में जो करंट है आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी के इक्वल होती है। ये इन दोनों में करंट की एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो वी डी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, वो मूवेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, किधर होगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वी डी को यहाँ से मेरा करंट आई की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी ए एन ई, और वी डी की वैल्यू म्यू ई से रिप्लेस हो गया। अब देखो इन दोनों सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप इन दोनों में तुम कंपेयर करो, क्या कंपेयर करोगे, अगर ये एन टाइप है और दूसरा पी टाइप है तो इन सभी में एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, आइडेंटिकल है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, और होल को पहले ही दिया हुआ कि सेम है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल है, म्यू मोबिलिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब सेम है। तो जो करंट है वो प्रोपोर्शनल आ गया मोबिलिटी के। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इन एन टाइप डिवाइडेड बाई करंट इन पी टाइप एन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एन टाइप डिवाइडेड बाई मोबिलिटी ऑफ पी टाइप।
तो ये वाला, अब हम सबको पता है कि मोबिलिटी ऑफ एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल, ये होल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करेंट इन पी टाइप, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन ये सही है। दोनों तरह से कर सकते हो, मैथमेटिकली भी कर सकते हो, लॉजिकली भी कर सकते हो। चलो कहता है